हेलो एवरीबॉडी, आज जो हमारा टॉपिक है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ द कोल क्रॉप लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली एंड ऑल कॉल। जैसे कि हम सभी को पता है कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मुख्यतः इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होते हैं, जैसे तापमान की कमी या अधिकता, प्रकाश की कमी या अधिकता, तत्व की कमी या अधिकता इत्यादि। तो इन कोल क्रॉप्स में कॉलीफ्लावर बहुत सेंसिटिव होता है। कॉलीफ्लावर में कर्ड फॉर्मेशन जब होता है, कर्ड फॉर्मेशन मतलब जो हमारा एडिबल पार्ट होता है कॉलीफ्लावर में, उसको कर्ड बोलते हैं। तो बहुत सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो बाल्बेटी अपीयरेंस हो जाता है, टेम्परेचर कम हो गया तो रिसीनेस आ जाएगा, आप अर्ली या लेट प्लांटिंग करोगे तो बटनिंग हो जाएगा, अगर मिट्टी में बोरान डिफिशियंसी है तो ब्राउनिंग हो जाएगा, मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी है तो आपका विक्टेल हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट सेंसिटिव है कॉलीफ्लावर, तो इनके केस में न्यूट्रिएंट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव होता है, थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है कॉलीफ्लावर। तो इसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल कॉलीफ्लावर के दैहिक विकार के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक या दो या कहो 5 नंबर या 10 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर, या पूछ लेगा कि ब्राउनिंग इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ हिपटेल, इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ हिपटेल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसकी कमी से होता है, किसमें पाया जाता है और इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या होता है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। जो पहला है, पहला आपका बटनिंग है। एक कॉलीफ्लावर का मेन डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि कर्ड डज नॉट डेवलप टू फुल साइज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कर्ड होगा, जो एडिबल आपका एडिबल पार्ट होता है, फूल जिसको हम जनरली बोलते हैं, लेकिन फूल नहीं होता है, प्री फ्लोरल मेरिस्टम होता है ये, प्री फ्लोरल मेरिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, केवल बहुत स्मॉल कर्ड्स बनते हैं और जो फुल साइज मतलब पूरी तरह से रिटेन नहीं कर पाता, स्मॉल साइज में ही रहता है। इसका जो लीव्स होता है वो भी स्मॉल होते हैं, आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन कारण क्या होता है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी। अर्ली वराइटी को जो आप लेट सीजन में लगाओ और लेट वराइटी को आप अर्ली सीजन में लगा दो, तो इसके दो तीन बहुत बड़े कारण होते हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि ये बटनिंग डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसमें सबसे मेन होता है पुअर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। अब आप इसको करेक्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहला होता है राइट सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी। जो आपको वैरायटी लगाना है, जैसे मान के चलो कि लखनऊ रीजन की वैरायटी है, तो लखनऊ रीजन की वैरायटी लगाओ। अब लखनऊ रीजन पे महाराष्ट्र या कर्नाटका की वैरायटी लाके मत लगाओ, या पहाड़ों वाली ही जो हिल्स पे लगाई जाती है वो वैरायटी लाके मत लगाओ। राइट, मेरे कहने का मतलब है राइट सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स। ट्रांसप्लांटिंग, जनरली ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन ऑफ 30 to 35 days ओल्ड सीडलिंग, मतलब 30 दिन पुरानी सीडलिंग को ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ना कि आप 50 दिन पुरानी, ना कि आप 15 दिन पहले 15 दिन पुरानी ट्रांसप्लांट करो। मतलब प्रॉपर स्टेज जो होता है 30 से 35 दिन पुरानी ट्रांसप्लांटिंग और सीडलिंग को ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और उसके अलावा क्या है कि सप्लाई ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द मेन काज, नाइट्रोजन डिफिशियंसी इज द मेन काज ऑफ द बटनिंग। नाइट्रोजन जो जो डोज होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सेकंड वन इज द रिसीनेस। रिसीनेस एंड फजीनेस हैव सिमिलर लाइक सिमिलर डिफिशियंसी सिम्टम। रिसीनेस में क्या होता है कि जो कॉलीफ्लावर में डिफरेंट पेडिसल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रिसीनेस में ग्रेनुलर अपियरेंस बन जाता है। ग्रेनुलर अपियरेंस इसलिए बन जाता है कि प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर बड हो जाता है, मतलब प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर बड हो, बहुत मतलब उसका जो पेडिसल्स होता है वो इलॉन्गेट हो जाता है, सिंगल पेडिसल, तो जिसके कारण वो क्या होता है थोड़ा अजीब सा दिखने लगता है, खुरदुरा सा दिखने लगता है, ग्रेनुलर सा दिखने लगता है। जबकि फजीनेस के केस में क्या होता है, बाल्बेटी अपीयरेंस हो जाता है। और ये दोनों किसके कारण होते हैं, वार्म विंटर कंडीशन के कारण, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया या टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। यूज ऑफ पुअर क्वालिटी सीड्स भी होता है।
अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, सिंपल सा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो जो जिस रीजन की वैरायटी है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वैरायटी है, उसको उसी कंडीशन में ग्रो करना चाहिए। ग्रो द क्रॉप व्हेन टेम्परेचर इज फेवरेबल, यूज हाई क्वालिटी सीड एंड सोइंग अप क्रॉप ऑफ फेवरेबल वेदर कंडीशन। आपको हाई क्वालिटी सीड भी यूज करना है लगभग सभी डिसऑर्डर्स, सभी डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। ये नहीं कि देसी वैरायटी या किसी से भी ले आकर ग्रो करोगे तो उसमें बहुत सारी डिफेक्ट होंगे। डिफेक्ट होंगे तो सिंपल सी बात है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति टॉलरेंट नहीं होगा, तो उसमें विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ द कॉलीफ्लावर, दिस इज द व्हिप टेल। बहुत पूछा जाता है कि व्हिप टेल किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और किसके कारण होता है। तो ये किसका डिसऑर्डर है? कॉलीफ्लावर का। किसके कारण होता है? मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी का। और मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी कहाँ होती है? एसिडिक सॉइल में होती है, जिसका पीएच 5 से कम हो जाता है। अब इसको हम करेक्टराइज कैसे करेंगे? इसमें केवल क्या होता है, मिडरिप डेवलप होता है। मिडरिप होता है केवल उसी का डेवलप होता है, और मिडरिप के जो साथ की होल लीफ होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो मिडरिप डेवलपमेंट होना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ लीफ लैमिना एंड लीफ कंसिस्ट ऑफ ओनली बेयर मिडरिप व्हिच लुक्स लाइक हिप टेल। इसीलिए इसको हिप टेल डिसऑर्डर बोलते हैं। किसके कारण होता है? मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी। और मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी कहाँ होती है? एसिडिक सॉइल में, जिसका पीएच 5 से कम होता है। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है करेक्शन ऑफ द सॉइल पीएच अप टू 6.5 बाय प्रॉपर लाइमिंग। मतलब एसिडिक सॉइल को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें चूना डालते हैं, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है उसे आपको 6.5 तक ले जाना है। जिसके कारण 6.5 पीएच पे माना जाता है कि आपके जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी अवेलेबल होते हैं। जब सभी न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा तो क्रॉप की ग्रोथ उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब जब आपको क्रॉप लगानी होती है फील्ड में, ट्रांसप्लांट करनी होती है, उसी समय 1.5 kg प्रति हेक्टेयर का अमोनियम मॉलिब्डेट का हम अप्लाई कर देते हैं। अब उसको चाहे फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करो या पानी के साथ मिक्स करके अप्लाई कर दो। दूसरा, हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, 0.1% अमोनियम मॉलिब्डेट का हम स्प्रे भी कर सकते हैं, और टीपॉल को एज ए स्टिकर के साथ हम उसको स्प्रे कर देते हैं 15 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, 30 डेज और 45 डेज। अगर हमें जहां पता चले कि स्टिक सॉइल कंडीशन है, मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी हो सकती है, तो वहां पर हम इस चीज को रिकमेंड करते हैं कि 0.1% का अमोनियम मॉलिब्डेट का स्प्रे कर देना चाहिए। एक स्टिकर ले लेना चाहिए, टीपॉल नाम से आता है, और उसको हमें स्प्रे कब करना है? 15, 30 और 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। फोर्थ वन इज द ब्राउनिंग, जिसको हम ब्राउन रॉट या रेड रॉट भी बोलते हैं। दिस इज द मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज वेरी सेंसिटिव टू ऑल क्रॉप्स। ये भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउनिंग इज द मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, उसमें आपको क्या क्या दे देगा? कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, नॉल हॉल। अब आपको ये होगा कि यार हमने तो इसको सिर्फ उसमें पढ़ा था, कोल क्रॉप्स में, अब इसमें कौन सा सही है? तो कॉलीफ्लावर बहुत सेंसिटिव होता है बोरान डिफिशियंसी के, और बोरान डिफिशियंसी जनरली जब पीएच 7 से ज्यादा जाने लगता है तो वहां पर होता है, मतलब सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल में। तो हमें क्या करना है कि अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई ये होता है कि सबसे पहले वाटर सोक्ड अपीयरेंस आता है। वाटर सोक्ड अपीयरेंस आने के बाद जब सीवियर कंडीशन में आता है तो रस्टी ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। आप देखेंगे कई बार कि कर्ड्स में बहुत ज्यादा रस्टी ब्राउन ब्राउन कलर का कर्ड रहता है। अब वो कर्ड की सबसे ये होता है कि वो क्या करता है कि बिटर टेस्ट देता है, मतलब बहुत लगेगा तीखा सा, अजीब सा। और आपको ऐसा मिलेगा जब कोल क्रॉप्स का सीजन खत्म होने वाला होता है तो कई बार ऐसे कर्ड्स आते हैं, आपको लगेगा कि इसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है, बिटर टेस्ट आ रहा है। तो वो जो बिटर टेस्ट आता है वो किसके कारण आता है? ब्राउन रॉट या ब्राउनिंग डिसऑर्डर के कारण आता है। किसकी कमी से होता है? बोरान डिफिशियंसी की कमी से होता है। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? सॉइल पीएच को आपको मेंटेन करना है, करेक्शन ऑफ सॉइल रिएक्शन एंड सेलिनिटी। उसके बाद क्या करना है, हमें बोरेक्स का सॉइल एप्लीकेशन करना है 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि बोरान, कापर और सल्फर और जिंक, इन चारों का लगभग लगभग सभी फसलों में अप्लाई कर ही देना चाहिए। बोरान, सल्फर, जिंक और कापर,
बोरान और कॉपर क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए लड़ने में के काम आते हैं। सल्फर और जिंक क्या करते हैं, आपके क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो कॉपर और बोरान का एप्लीकेशन अगर आप डिजीज रेजिस्टेंस या मैकेनिज्म बढ़ानी हो तो अप्लाई कर देना चाहिए। पांचवा, ब्लाइंडनेस। कई बार कभी कभी क्या होता है कि फूल गोभी या पत्ता गोभी में क्या होता है कि कर्ट्स या हिट बनता ही नहीं है। फूल गोभी के जो खाने वाला भाग होता है उसको कर्ट्स बोलते हैं, पत्ता गोभी का जो खाने वाला भाग बनता है जिसमें ओवरलैपिंग या लीव्स रहती है उसको हेड बोलते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी लो टेम्परेचर इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया तब नहीं बनेगा, फ्रॉस्ट जिसको हम फ्रॉस्ट इंजरी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गाय या भैंस या कोई कैटल चर गई उसे तब वो फॉर्म नहीं होता है। कभी कभी हम जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो हमसे खुद ही डैमेज हो जाता है, तो यो जिसको हम इंजरी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजरी। तो ये तीन चार कारण होते हैं, लो टेम्परेचर, मैकेनिकल इंजरी और गाय या भैंस का चर जाना। तो जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स रिमेन विदाउट टर्मिनल बड्स, मतलब जिस प्लांट्स में टर्मिनल बड होगा ही नहीं वहां पर कर्ड नहीं बनेगा, हेड नहीं बनेगा, वहां पर ब्लाइंडनेस आ जाता है। खूब सारी पत्तियां, खूब अच्छे अच्छे ग्रो होंगे लेकिन कट्स होगा ही नहीं। तो अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम लो टेम्परेचर इंजरी। लो टेम्परेचर इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा है केयरफुल हैंडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग एंड कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट टाइमली दैट टर्मिनल बड्स मे नॉट बी इंजर्ड। ये हमारे पांच मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर के, जिसके बारे में हमें मतलब पता होना चाहिए। कि एक और है छठा, लीफी कर्ड। ये भी क्या होता है कि कभी कभी देखो कि जैसे कर्ड्स के बीच में लीफ अपीयरेंस आ जाता है तो उसकी भी मार्केट डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाई या लो टेम्परेचर इसका मेन कारण होता है, मेनली हाई टेम्परेचर इज द मेन या मॉइस्चर टेम्परेचर स्ट्रेस इज द मेन काज। और तो इसमें भी यही रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जो वरायटी हो उसको जिस सीजन की वरायटी हो उसी सीजन में ग्रो। ये कुछ मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इसकी डिफिशियंसी या कास्ट बाई है, जैसे कि ब्राउनिंग या ब्राउन रॉट, बोरान डिफिशियंसी के कारण, हिपटेल, मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी, एनेस्टिक सॉइल, ब्राउनिंग, इंसेलाइन सॉइल बोरान डिफिशियंसी, बटनिंग, नाइट्रोजन डिफिशियंसी प्लस ओल्ड एज सीडिंग ट्रांसप्लांटिंग, रेसिनेस एंड फजीनेस इज ड्यू टू हीट स्ट्रेस, ब्लाइंडिंग या लैक ऑफ कर्ड या हेड या टर्मिनल बड ड्यू टू द फ्रॉस्ट इंजरी या मैकेनिकल इंजरी, और लास्ट में लीफी कर्ड हाई टेम्परेचर के कारण होता है। तो कुछ डिफिशियंसी जिसके कारण होते हैं कार्ड भाई, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचा कि एक इसको एक टेबल में बना दूं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर और कॉलीफ्लावर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से समझ लीजिए कि ये फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा दोनों में, चाहे दोनों आ जाए या कोई एक। आप इसको अच्छे से देख लेना। धन्यवाद।